उत्तर प्रदेश के आगरा में इन दिनों हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कारीगर चांदी की एक पायल बनाने में व्यस्त हैं। ये पायल अयोध्या राम मंदिर में देवी सीता के पांवों की शोभा बढ़ाएगी। हमारे सबके आराध्य प्रभु राम 550 वर्ष बाद अपने भवन में अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और पूरे देश भर से विश्व भर से उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भेंटें आ रही हैं, क्योंकि आगरा जो है चांदी की पायल की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की। तो सोचा क्यों ना हम भी अब उनके लिए कुछ करें, तो विचार आया कि प्रभु माता जानकी के लिए आगरा बाजार से चांदी की पायल बनवाकर एक सुंदर पायल जो हमने बनवाई है, जैसा कि आपने अभी देखा, वो उनको भेंट करने के लिए हम लोगों ने बनवाई है। पायल 6 इंच लंबी होगी। इसका वजन 500 ग्राम से थोड़ा ज्यादा होगा। धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करते हुए दोनों समुदाय के कारीगर 15 दिनों से पायल बनाने में जुटे हैं। ये पायल बना रहा है सीता राम जी के लिए अयोध्या में, यही राम जी के मंदिर के वहाँ पर ये इसके अंदर पायल की तैयारी की जा रही है। 15 दिन से लगभग काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन से काम चल रहा है इस पायल के अंदर। हिंदू भाई और अपने मुस्लिम भाई दोनों ने मिल के हम लोग इसको पायल बना रहे हैं। और इसके अंदर ये खासियत है कि पायल के अंदर ही मोर वाला काशनी लगाया, इसे सीता राम जी को पसंद है, इसलिए मोर वाला काशनी लगाया। साइडों में नग वाला काम दिया, पत्थरों का नग लगाया, मीना वगैरह कलर वगैरह काफ़ी काम बारीक महीन काम दिया गया। बहुत सोच समझ के इसको पायल तैयार किया जा रहा है। हम लोग प्यार मोहब्बत से दोनों ने मिलके भाई इसको पायल तैयार कर रहा है, सीता राम जी के वहाँ पर जाके चरणों में पेश होगी। ये 551 ग्राम की भारी वेट इसका वजन है और इसका डिज़ाइन पूरा 2 चक्रव्यूह लेके 1 मयूर लगा के पूरी पायल कम्प्लीट कर दी गई है। ये लमसम 18 तारीख तक फाइनल हो जाएगी। बुलियन एसोसिएशन की योजना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को पायल भेंट कर दी जाए।